हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेजर्ट लिविंग एंड ऑल। और ये फैक्ट फाइल का एपिसोड नंबर 3 होने जा रहा है। तो आपको पता है क्या जीवित शिवलिंग के बारे में? तो आज मैं आपको जीवित शिवलिंग के बारे में बताऊंगा। तो गाइस, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स हमेशा ग्रीन ही कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं? तो ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, आपने वेडिंग वेल के बारे में तो सुना ही होगा। गाइस, वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक लंबी सी वेडिंग वेल होती है जो कि वाइट कलर की होती है। गाइस, तो गाइस आपने तो देखा ही होगा कि वो कितनी लंबी होती है, 2 मीटर 3 मीटर। गाइस, दुनिया का सबसे लंबा वेडिंग वेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक लेडी का है, जो कि है 6.9 किलोमीटर। 6.9 किलोमीटर गाइस, 6.9। That's a fact file, man. That's a fact file. तो आपको पता है डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग इतनी ख़राब क्यों होती है? तो इसका जवाब तो आपको पता ही है। तो इतनी पढ़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा लिखना और बहुत से एग्ज़ाम देने होते हैं, तो हैंडराइटिंग ख़राब हो ही जाती है। फिर आप पूछेंगे मेडिकल स्टोर वाले को डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग कैसे पता चलती है? तो मैं आपको बता दूं, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, बस वो गैस करते हैं और वही तुक्का समय के साथ इतने लगते हैं। बट इसी के कारण हर साल 10 लाख लोग गलत दवाई खा के मर जाते हैं। और इसीलिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी डॉक्टर को कैपिटल लेटर्स में लिखने का ऑर्डर दिया है, बट ये ऑर्डर हर डॉक्टर फॉलो नहीं करते हैं। पे कोई कानून नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ चल रहा है। फैक्ट फाइल मैन, दैट्स अ फैक्ट फाइल। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जो आपको गट फीलिंग होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है? अगर आपको किसी से भी मिलते ही कुछ अलग फीलिंग हो तो वो आपकी गट फीलिंग है। कहते हैं ना, सिक्स सेंस, जस्ट लाइक दैट। जब भी आपकी गट फीलिंग कुछ कहे तो आपको कुछ रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ ही मिनट में ब्रेन कैलकुलेशन करना शुरू हो जाता है और हम उसी में ही उलझ जाते हैं। दैट्स अ फैक्ट फाइल मैन, दैट्स अ फैक्ट फाइल। क्या आपको पता है मोस्ट टॉकेटिव पर्सन इन द वर्ल्ड कौन है? कौन है? लुइस कॉले। इन्होंने 124 आवर्स लगातार स्पीच दी। दैट्स अ फैक्ट फाइल मैन, दैट्स अ फैक्ट फाइल। अर्थक्वेक आने पे जब बिल्डिंग ढह जाती है तब उनके नीचे फंसे लोगों को किसी तरह ढूंढा जाता है। नासा के साइंटिस्ट ने एक फाइंडर नाम का टूल बनाया है, 30 फीट नीचे और 20 फीट सॉलिड कंक्रीट में लोगों को डिटेक्ट कर सकता है। 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था तब इस टूल को सबसे पहले यूज़ किया गया था। हमारी शर्ट पे जो बटन लगे होते हैं, ऐसा लगता है ना कि उसका इन्वेंशन अंग्रेज़ों ने किया है, बट ऐसा नहीं है, ये सबसे पहले भारत में ही बनाए गए थे। जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये युनार झील है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, माना जाता है जो कि एक एस्टेरॉयड के टकराने से बनी है। दैट्स अ फैक्ट फाइल मैन, दैट्स अ फैक्ट फाइल। आपने कई पेड़ों को कटते हुए देखा होगा, पेड़ों के कटने पर एक दूध जैसा कुछ लस लस ऐसा लिक्विड निकलता है। बट ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा पेड़ है जिसका नाम ब्लडवुड ट्री है, जिसे काटने पर एक रेड कलर का ब्लड जैसा लिक्विड निकलता है। तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ के काटने पर ब्लड निकल रहा हो। आज मैं आपको एक जीवित शिवलिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि दुनिया का इकलौता जीवित शिवलिंग है, जो कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है और ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। मातंगेश्वर शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी ऊंचाई 9 फीट मापी गई है। और कहा जाता है कि जितना ये धरती के ऊपर है उतना ये धरती के नीचे भी है, और ये शिवलिंग हर साल 1 इंच बढ़ता है।
वहाँ के पुजारी भी इसे नापते हैं और वहाँ के टूरिस्ट डिपार्टमेंट भी इसे नापते हैं और वो भी मानते हैं कि ये शिवलिंग हर साल बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, है ना ये गजब फैक्ट तेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। क्लाउड्स काले ही क्यों होते हैं ये तो आपको पता ही है कि क्लाउड्स के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और सूरज की रोशनी क्लाउड से धरती तक नहीं आ सकती और इसी वजह से ये हमें काले दिखते हैं। हम एरोप्लेन में से देखेंगे तो ये हमें वाइट दिखेंगे, पता है क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी ऊपर से उन पर पड़ी रही है तो वो वाइट दिखते हैं। ज़मीन से रोशनी नहीं पहुंचने के कारण वो हमें काले दिखते हैं। क्या आपको पता है हमारे अर्थ की एज क्या है? तो मैं आपको बता दूं, हमारे अर्थ की एज 4.54 बिलियन ईयर्स है ना ये माइंड ब्लोइंग इफेक्ट। और हमारे अर्थ से भी पुराना एक पत्थर साइंटिस्ट को मिला है जो कि हमारी अर्थ से 7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है गाइस। इन जनवरी 2020 एस्ट्रोनॉमर्स रिपोर्टेड द ओल्डेस्ट मटेरियल फाउंड ऑन अर्थ की सिलिकॉन कार्बाइड पार्टिकल्स है जो कि मर्चिसन मीटराइट से आया है। दैट्स अ गजब फैक्ट फाइल मैन, दैट्स अ गजब फैक्ट फाइल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाक से कर दीजिए और इस बार कमेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आने चाहिए। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल डेजर्ट लिविंग इन ऑल। आपने देखा ही होगा हॉस्पिटल्स के अंदर ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स हमेशा ग्रीन कलर के ही कपड़े पहनते हैं। बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि ग्रीन कलर पेन को हील करता है, मतलब जल्दी ठीक होने में हेल्प करता है। और अगर आप दूसरे कलर्स को ज़्यादा देर तक देखते हो तो आपकी आंखें थक जाती है, बट ग्रीन कलर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप ग्रीन कलर को देखोगे आपको फ्रेश ही लगेगा। लुक एट द ब्यूटी ऑफ नेचर। दैट्स व्हाई नेचर हैज ग्रीन कलर। और जहाँ तक बात है ऑपरेशन थिएटर में ग्रीन कलर की, कपड़ों में ब्लड क्लियर दिखता है। आपको आज के हमारे फैक्ट्स कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ने एक अरे